सिग्मा एफ आई एक्स आई जो होता है वह बारंबारता और वर्ग चिन्हों के गुणन का योगफल मान होता है। सिग्मा एफ आई जो है वह बारंबारताओं का योगफल। इस प्रकार हम सारणी के मान को निकालते हुए इनका मान इस सूत्र में जब रखेंगे तो इसका माध्य आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। सभी नोट कर ले। सभी ये नोट कर ले। इसके बाद अपन प्रत्येक विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सवाल करेंगे। सभी ने नोट कर लिया होगा। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम सवाल करेंगे जिसमें दो तरह की सारणियां होगी, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। हम प्रत्येक स्थिति से माध्य से ज्ञात करेंगे तो उसमें दो प्रकार की सारणियां होगी। एक तो होगी हमारे पास असतत या वर्गीकृत या अवर्गीकृत। तो पहली सतत और असतत में क्या अंतर है? असतत या अवर्गीकृत असतत का अवर्गीकृत, इससे नाम से स्पष्ट है असतत या अवर्गीकृत का मतलब कि उसमें बारंबारता मध्यम श्रेणी में हमको वर्ग न दिए गए होंगे, हमें सीधे एक्स आई वर्ग चिन्ह के मान दिए गए होंगे और उसमें एक्स आई के मान जो है सीधे रूप में दिए हैं, पारंपरिकताओं के मान भी सीधे रूप में दिए हैं। उसमें हम डायरेक्टली सीधा उसका आपस में गुणा करके सारणी के माध्यम से सूत्र का प्रयोग कर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि सवाल जो है इस प्रकार है, इसमें एक्स आई का सूत्र भी लिखे, एक्स आई जो मान है वो हम लिखेंगे, उसके पहले वर्गीकृत में वो आप सूत्र लिखोगे, असतत और अवर्गीकृत में आपको पहले से ही एक्स आई का मान दिया गया होगा। इसके ऊपर सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है प्रश्नावली 17.2 का, क्वेश्चन नंबर 17.2 का है, पहला क्वेश्चन है जिसमें साड़ी में दिया गया निम्न निम्न वर्तन सारणी का माध्य प्रत्येक स्थिति से ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक स्थिति से माध्य ज्ञात करना है। इसमें ये सारणी होगी असतत या अवर्गीकृत सारणी है, इसमें एक्स आई का मान और एफ आई का मान हमें सीधे रूप में दिया गया है। एक्स आई में पहला मान जो हमारे पास है, इस तरह से सारणी आपको दी गई होगी सवालों में, 3, 5, 8, 11। बारंबारता का मान 2, 4, 5 और 3। अब हमें सूत्र के हिसाब से अगला जो कॉलम चाहिए, सूत्र के अनुसार हमें अगला कॉलम चाहिए वो चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। सूत्र के अनुसार को एफ आई इंटू एक्स आई मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों के गुणनफलों का मान चाहिए। तो एफ आई इंटू एक्स आई का जो नया कॉलम बनेगा उसमें आपको सीधे शब्दों में एक्स आई और एफ आई में क्या हो रहा है गुणा, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे, तो 3 का 2 से गुणा करते हैं तो 6 होता है, 5 × 20। ये 5 × 20 किस आया कि आपने इसका मल्टीप्लाई किया गुणा किया, 8 का 5 से गुणा होगा, 8 × 5 = 40, 11 का 3 से गुणा होगा, 11 × 3 = 23। इस प्रकार हमको एफ आई एक्स आई के प्रत्येक वर्ग के अनुसार क्रम के अनुसार जो दी गई बारंबारता है उससे हम एफ आई एक्स आई का मान गुणा कर सकते हैं।
गुणा करके निकाल सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको सूत्र के अनुसार जो प्रयोग करना है उसमें यहां पर हमको चाहिए सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। सिग्मा एफ आई जो हमारे पास है वो बारंबारता का योग। तो हम पहले बारंबारताओं को जोड़ेंगे, दो चार छह, छह पांच ग्यारह, ग्यारह और तीन चौदह। तो हमारे पास जो बारंबारताओं का योगफल आया वो कितना आया, चौदह आया। इसी प्रकार एफ आई एक्स का गुणा करके हमने जो पांच निकाले हैं प्रत्येक क्रम में, तीन का दो से गुणा करने पर छह, पांच का चार से गुणा करने पर बीस, आठ का पांच से गुणा होगा तो आठ में चालीस, और ग्यारह से तीन से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ग्यारह तैतीस। तो इस प्रकार अब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान भी निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मतलब होता है कि बारंबारताओं और वर्ग चिन्हों का गुणनफल, बारंबारताओं और वर्ग चिन्हों का गुणनफल। अब हम इसको जोड़ेंगे, छह और तीन नौ का नौ, फिर दो और चार छह, छह और तीन कितना आया, नाइनटीन, नाइन। अब हमारे पास इस प्रकार जो मान प्राप्त हुआ तो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से सूत्र का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष माध्य विधि का सूत्र के सूत्र से एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। अब हमने जो सारणी में मान प्राप्त किए हैं सिग्मा एफ आई का वो है 14, 14 और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 99। अब इसको हम क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे और इस प्रकार 99 में 14 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम 14 का जब 99 में डिवाइड करेंगे तो हमारा माध्य प्राप्त होगा। 14 का 99 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा इसलिए वो 7.07 हमारा माध्य प्राप्त होगा। तो माध्य कितना होगा, माध्य होगा 7.07। ठीक है, समझ आ गया, सब नोट कर लेंगे सवाल। देखो आपके ये रिकॉर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है, क्या नहीं लिख रहा आपका, ये आपके वर्ड डबल क्यों लिख रहे हैं, कटा हुआ क्या क्या नहीं लिख रहा, इसको आगे लाओ ना, इसको आगे लाओ ना, इसको उधर लाओ ना, आप क्या नहीं लिख रहा, जैसे ये बंधन सारणी के बारे में लिखना चाहिए, ये कौन सी बंधन सारणी का सवाल है, ये दिखता नहीं, ये यहाँ पे दिखता है, चलो क्या नहीं लिख रहा है, अरे वो ठीक है तो ये एंड हो जाएगा, इसको आता क्यों किया तुमने, सेंटर पोर्शन हो ना, कैमरा घुमा दो उधर, पकड़ लिया सर, चल रिकॉर्डिंग आवाज,
तो ये वाली जो सवाल है हमारी असतत या अवगिरत बारमरता की बंधन सारणी के माध्यम से प्रत्येक स्थिति का प्रयोग करके हमने माध्य ज्ञात किया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा असतत और अवगिरत के अलावा दूसरी जो बारमरता बंधन सारणी आएगी वो वर्गीकृत बारमरता बंधन सारणी कहलाती है। उसमें एक्सेल का मान हमें स्वयं ज्ञात करना है और वो किस प्रकार ज्ञात करना उसका भी सूत्र मैं अभी आपको कंटिन्यू दिखा देता हूं। वर्गीकृत पारमार्थिकता वर्ग अंतराल के रूप में निम्न सीमा और उच्च सीमा के रूप में वर्ग अंतराल दिया जाएगा, फिर हमें उसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। सारणी वर्ग अंतरालों के रूप में होगी, वर्ग अंतराल के रूप में होती है। इसमें वर्गीकृत पारमार्थिकता बंधन सारणी जो होगी वो वर्ग अंतराल के रूप में होगी। इसके अनुसार हम एक सवाल करेंगे, वर्गीकृत पारमार्थिकता बंधन सारणी का माध्य ज्ञात करना, समाप्त करना। प्रश्नावली 17.3 जो है उसमें सारे सवाल वर्गीकृत पारमार्थिकता बंधन सारणी से आपको प्रयास करने हैं। मैं भी एक सवाल आपको सिखाता हूं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर दो है, निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंधन सारणी का प्रत्येक स्थिति से समांतर माध्य निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंधन सारणी जो हमें दी गई है उसका प्रत्येक स्थिति से समांतर माध्य ज्ञात करना है। सारणी जो है वो इस प्रकार है, सारणी में हमें सबसे पहला जो कॉलम दिया गया है वो वर्ग अंतराल का है। वर्ग अंतराल 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। हाँ और 24 से 30 तक हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया। दूसरी स्थिति में हमारे सामने बारंबारता दी गई है, जिसे एफ आई जिसे दर्शाते हैं, बारंबारता जो दी गई है वो हमें सवाल में पहले से दी, 6, 8, 10, 9 और 7। इस प्रकार सवाल में हमको पहले से वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है, हमें वर्ग अंतराल को एक्स के रूप में बदलना है। जब भी क्लास एंड करोगे स्टॉप रिकॉर्डिंग को बटन दबाओ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग दबाना है, स्टॉप स्टार्ट वापस स्टॉप करना है।
हमें वर अंतराल जो दिया गया है उसी से हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अगला कॉलम जो हमारा होगा वो एक्स का होगा, जिसे हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। एक्स का मान निकालने के लिए क्या है? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। एक्स का सूत्र है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपॉन टू। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा जो है, जीरो निम्न सीमा है और छह ऊपरी सीमा है। ये पहला वर्ग अंतराल है, ये दूसरा वर्ग अंतराल है, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। हमारे इस सारणी में कुल पांच वर्ग अंतराल जो दिए गए हैं, जीरो से छह, छह से बारह, बारह से अठारह, अठारह से चौबीस और चौबीस से तीस। इस प्रकार हमको वर्ग अंतराल जो दिए गए हैं उनमें प्रत्येक में जो अंतर है वो छह छह का अंतर है। अब सबसे पहले वर्ग अंतराल के माध्यम से हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए ये जो पहले पद जो है, पहले पद जो होते हैं वर्ग अंतराल में, उन पहले पद को या पहली संख्या को हम निम्न सीमा कहते हैं और बाद वाली संख्या को ऊपरी सीमा बोलते हैं। इसको हम निम्न मान, न्यूनतम मान और अधिकतम मान भी कह सकते हैं, कहते हैं। अब सबसे पहले जीरो और छह जो हमारा निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का मान है, तो पहला वर्ग अंतराल का एक्स का मान जीरो प्लस छह अपॉन दो बराबर छह अपॉन दो, कितना प्राप्त हुआ? तीन। इसी प्रकार हमको प्रत्येक वर्ग अंतराल में दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों बीच में जो अंतर है वो अंतराल कितना है? अंतराल बराबर जो है प्रत्येक का अंतराल, प्रत्येक अंतराल बराबर h बराबर जो है वो है छह माइनस जीरो बराबर कितना है? छह। छह का अंतराल है, तो ये अंतराल हमें प्रत्येक पहले मान में जोड़ते हुए जाना है, तब हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। पहला मान x का जीरो प्लस छह, ये समझ आ गया कि पहली निम्न सीमा प्लस, तो प्रत्येक वर्ग में हम निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा जोड़ के दो का भाग करेंगे तो हमको x का मान प्राप्त होगा। पहला मान जीरो प्लस छह बराबर कितना आया? तीन। तो हमारे लिए x का मान क्या आया? जीरो प्लस छह अपॉन दो बराबर तीन आया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये मान कितना आया? तीन। अब इसमें तीन में प्रत्येक अंतराल कितना है? छह। प्रत्येक अंतराल कितना है? प्रत्येक अंतराल कितना है? छह माइनस जीरो कितना है? छह। तो छह जो मान है वह पहले वाले एक्स के अंदर हम प्रतिलोम जोड़ जाएंगे तो हमें अगला मान वर्ग चिन्ह में प्राप्त होगा। तीन प्लस छह कितना हुआ? नौ। नौ प्लस छह कितना हुआ? पंद्रह। पंद्रह प्लस छह कितना हुआ? इक्कीस। और इक्कीस प्लस छह कितना हो गया? तो इस प्रकार हमको वर्ग चिन्ह प्राप्त होते हैं। अब हमें सूत्र के अनुसार हमें अब x का मान प्राप्त हो गया, तो हम सूत्र के अनुसार क्या चाहिए? अगला कॉलम fi into xi। fi का मान कितना है? 3। x का मान कितना है? fi का मान 6 है, सॉरी fi का मान 6 बार बार था और x का मान कितना है? 3। इनका आपस में क्या हुआ? गुणनफल। क्या हुआ? 6 का 3 से गुणा करते हैं, 6 दिया 18। 8 का 9 से गुणा करो, 8 9 72। और 15 का 10 से गुणा करो, कितना आएगा? 150 आएगा, 150। और 21 का 9 से गुणा करते तो 21 में 182। और 27 का 7 से करते तो भी 182। अब हमें सूत्र के अनुसार यहाँ पर चाहिए सिग्मा fi का मान, जोड़ेंगे बार बार का वही हो 6 प्लस 8 14, 14 और 10 24, 24 और 9, 24 और 9 33, 33 और 7 40। तो आपके पास सिग्मा एफ आई का मान कितना गया? 40। इसी प्रकार एफ आई एक्स का मान देखना है तो इनका भी योगफल करना पड़ेगा। इनका योगफल करने के लिए सबसे पहले इकाई अंक को जोड़ते जाओ, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 19 और 1 20, 20 और 8 से तो कितना हुआ? 28 का 8 हो गया। 28 का 8 हुआ, हासिल कितना लगा? 2। 2 हासिल लगा, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 की 8 जोड़ा तो कितना हुआ? 23। 23 और 8 आपका हो गया 23 और 8 31। 31 का ये हासिल लगा 3।
तीन और एक चार पांच और छह 618 हमारा फुल हो क्या हुआ सर आपका हो गया मेरा वो काम करो कैसे क्या जो मैं स्टार्ट करूं 8 क्लास ठीक है कंटिन्यू करेंगे थैंक यू ऑल ऑफ आप उतार लेना सुमार